अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी आज आपके सामने जो पड़ी हैं ये चमचियाँ वगैरह पड़ी हैं, आज मैं आपको जो है यही एक टिप्स सिखाऊंगी कि इन चमचियों को कैसे क्लीन करना है। अच्छा, उससे पहले जो है मैंने एक यूज़फुल टिप वाली एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेनर को कैसे साफ़ करना है, ठीक है। वो मैंने ये दो स्टेनर्स पर सिखाया था, ठीक हो गया। मुझे कमेंट आया है एक कि ये फजूल है, ये जल जाती हैं, काली हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं दूसरा तरीका भी सिखा दूं, मतलब जब मैं इसको साफ़ करूंगी साथ ही इसको भी साफ़ करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूं, ये आप इसकी देख सकते हैं, ये मैं आपको लाइट में दिखा देती हूँ। ये देखें, ये काली हुई हैं, मतलब जलाया जो है मैंने, तो ये काली तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कॉमेंट किया है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसको भी क्लियर कर देती हूँ। ये देखें, ये वाली मैंने नहीं साफ़ की उस तरह, और ये साफ़ की थी, कोई एक ख़ास डिफरेंस नहीं है इसमें। बहरहाल यही मैंने सोचा कि आज आपको जो है इसको क्लीन करके दिखा देती हूँ। ये क्लीन हो चुकी हैं, सो मैं इसको जो है डाल देती हूँ अंदर, और इसको भी मैं साथ इसके साफ़ करूँगी, ठीक है। अब जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ उसमें जो है आपके ये स्टेनर भी साफ़ हो जाएगी। ये जो हैं आपकी छुरियाँ, ये देखें जिस तरह यहाँ से गंदी हो जाती हैं थोड़ी सी, इससे ये भी साफ़ हो जाएंगी। ये देखें, वैसे बिल्कुल क्लीन है लेकिन ये थोड़ा सा एक रह जाता है निशान, ठीक हो गया। ये देखें, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है जी मेरे पास पीलर, ठीक हो गया। अच्छा, अब करना क्या है, ये जो है ना मेरे पास, और अच्छा ये भी एक टिप है कि आप कोशिश करें कि जो भी आप स्पून यूज़ कर रहे हैं आप एक जैसी स्पून रखें। मतलब मेहमान भी कोई आए हैं, जो ये मैं उन बच्चियों के लिए बता रही हूँ जो अभी बिल्कुल न्यू है किचन में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बेटा जब मेहमान आते हैं ना तो ये वाली जो है जैसे ही रखें। अब ये डिज़ाइनिंग एक है इसकी। अब ये एक चम्मच है, ये है चावल वाली चम्मच, और ये है उससे छोटी चम्मच यानी स्वीट वाली। फिर जो है चाय के साथ रखें तो ये वाली, तीनों के डिज़ाइन एक है, साथ है जी कांटा, ठीक हो गया। मैंने इसके अलावा कोई भी डिज़ाइन नहीं रखा हुआ, एक कोई चम्मच है इसमें ये वाली, ये मेरी जो है नेबर्स की आई हुई है, तो वो भी मैंने कहा चले मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो 6 मंथ्स हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए, मुझे अब फील हो रहा था जैसे ये गंदे, ये देखें, ये देखें थोड़े थोड़े इसमें ना निशान रहते हैं, तो मैं कह रही हूँ इसको ज़रा क्लीन कर लेते हैं हम। फिर अब मेरे पास ये पड़ा हुआ था एग्बीटर मैनुअल, मैंने कहा चले इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो चलते हैं अपनी जो टिप की तरफ। तो ये जी ये चम्मच मैंने इसको ले लिया था, जो होती है ना बार, मैक्स बार, उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है इसको, थोड़ा सा साबुन। और यहाँ पर मेरे पास ब्लीच है, और यहाँ पे है जी मैंने स्टेनलेस स्टील की पतीली ले ली है, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है जिसमें ये सब जो हैं डिप हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसमें मैंने चूल्हा चला दिया है बिल्कुल मीडियम आँच है, इसमें मैं इस चम्मच को भी ऐसे ही डाल दूँगी, ठीक हो गया, क्योंकि ये वैसे ही उसमें हो जाना है। फिर अब जो है मैं इन चमचियों, सब चमचियों को जो है मैं इस तरह से इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैंने सारी चमचियाँ मैंने डाल दी हैं, ये बहुत गर्म हो गया था, चमचियाँ मैंने डाल दी हैं, ये भी मैंने डाल दिया, इसमें आधा मैंने डिप किया, ठीक हो गया। तो छुरियाँ मैंने ऐसे ही रख दी हैं कि बाद में इसको मैं डालती हूँ, जब ये इनको निकाल लूँगी तब मैं डालूँगी। तो अब इसमें जो है 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने डाली है ब्लीच, कपड़ों वाली ब्लीच, वो डालिए, ठीक हो गया। तो अब इसको जो है हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे, इतना पकाएंगे मतलब कि पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए और जो थोड़े बहुत ज़रात है ना इसके ऊपर आ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी, अभी ये देखने में बहुत साफ़ लगने हैं लेकिन जब ये पानी पकेगा ना तो इसके जितने भी थोड़े बहुत अंदर इसके होंगे ना वो निकल के बाहर आ जाएंगे। तो मिलते हैं 10-15 मिनट बाद। की जो है इसकी वो दिखा रही हूँ, आप ये देख सकते हैं इसके पार्टिकल्स जो हैं ऊपर आने लग गए हैं थोड़े थोड़े ना, ये देखें जो थोड़ी बहुत इसमें जो वो कहते हैं कि थोड़ा सा वो लगा भी होगा ना तो ये अब साफ़ हो जाएगा। तो ये इतना कोई अच्छी टिप है ना, ये आप आज ही इसको जो है आप यूज़ कीजिएगा, आपको पता चलेगा बिल्कुल ब्रांड न्यू आपके चम्मच हो जाएंगे, क्या जैसे आपने अभी अभी बाज़ार से लिया। और इसमें मैं झूठ नहीं कह रही, मैं आपको दिखाऊंगी रिज़ल्ट। ये देखें, अब जो है 10-15 मिनट हो चुके हैं,
अब जो है मैं इसका पानी जो है इसमें डाल दूंगी, इस पतीली में जिसमें ये मेरी एक जो है स्टेनर है और साथ थोड़ी सी ये छुरियाँ हैं जो मैंने आपको कहा था कि साफ़ करनी है, ठीक है। वो मैंने इसके साथ नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो जितनी ज़्यादा चीज़ होगी वो क्लीन नहीं होगी ठीक से, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको साफ़ करेंगे। तो ये अब पानी जो है ये हो चुका है, थोड़ी सी ब्लीच मैं इसमें एक्स्ट्रा डालूंगी और ये पानी इसी में डाल दूंगी, ठीक हो गया। लेकिन अब इसके नीचे चूल्हा नहीं जलाएंगे हम क्योंकि ऑलरेडी गर्म है पानी, तो ठीक हो गया। अब मैं इसको इधर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पानी जो है मैंने इसमें उल्टा दिया है, ठीक है। अब इसको जो है मैं टोकरी में डाल के इसको अच्छी तरह से पहले हम वॉश करेंगे, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए शाइन तो थोड़ी बहुत आ गई है, लेकिन जब ये धुलेंगी तो इसका जो है एग्जैक्ट आपको रिज़ल्ट समझ में आएगा जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका पानी निकाल के मैंने इसमें डाल दिया ताकि जो है ना जो छुरियाँ वो भी साफ़ हो जाएं, और जो एग बीटर था वो ऊपर से साफ़ हो गया था, नीचे से रह गया था, उसको भी मैंने उल्टा जो है उसमें डाल दिया। अब जो है चमचियाँ मैंने इस तरह डाल के एक एक चम्मच को मैं जो है अलग से साबुन लगाऊँगी, साफ़ करूँगी और फिर उसको मैं धोऊँगी। अब आप नोटिस करें, कोई दावत वगैरह होती है, कोई काम वाली उनसे जब हम कपड़े बर्तन धुलवाते हैं तो वो क्या करती हैं जी, सारों को इकट्ठा साबुन लगा देती हैं और उसमें उसको धो देती हैं। वो किसी का साबुन लगा होता है, किसी को साबुन उतर जाता है, किसी को लगता ही नहीं है, तो इस तरह से करके जो है वो ख़राबी कर देती हैं। तो काफ़ी जो है ना, मेरी ये चमचियाँ क्योंकि मैं खुद बर्तन धोती हूँ तो इतनी ख़राब नहीं हुई हुई थी, लेकिन कुछ चमचियाँ जो है ना आप नोटिस करेंगे, खुद नोटिस कीजिएगा अपने घर में कि किस तरह से जो है वो चमचियों के रंग ख़राब हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा बिल्कुल ब्रांड न्यू लुक में आ जाएंगी। आप ये ज़रूर आज ही ट्राई करके देखें तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। तो ये मैं जो है अब खुश कर रही थी, एक मैंने चम्मच साइड पे रखी हुई थी उसको मैंने नहीं यूज़ किया, मतलब साफ़ नहीं किया। अब ये इस तरह तो डिफरेंस पता चल रहा है, लेकिन शायद कैमरे में इतना डिफरेंस पता ना चले, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा था कि एक साफ़ है एक साफ़ नहीं है, मतलब एक पे शाइन है दूसरी पे शाइन नहीं है। तो आप जो है जब खुद इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये रिज़ल्ट आता है। तो बाकी जो है मैंने इस तरह से अच्छी तरह से मैं खुश कर लूँगी, और इसका मेरे पास स्टैंड है तो ये स्टैंड जो है इस पर मैंने लगाई होती है चम्मच, कोई दावत वगैरह भी हो तो मैं ये स्टैंड एज इट इज़ जो है वो टेबल पर रख देती हूँ, मैं इसमें से चमचियाँ नहीं निकालती। तो बड़ी अच्छी चमचियाँ का जो है ना वो एक रह जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। साथ अब जो छुरियाँ थी उनको भी मैंने निकाल ली है, साथ ये अब देखें स्टेनर मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। जिसने जो मेरी पहली वीडियो है, जो मेरी पहली वीडियो आपने देखी थी, उसमें से अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते, उस तरह स्टेनर साफ़ नहीं करना चाहते, तो आप स्टेनर इस तरह साफ़ कर सकते हैं। इस तरह भी जो है वो स्टेनर अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी, और इस तरह से आप जो है हर 6 माह बाद अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं चमचियों की, तो आपकी ये बिल्कुल ब्रांड न्यू रहेंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है चमचियों को ड्राई करके इसी तरह से उसके स्टैंड में लगा दी है। अगर आपको स्टैंड चाहिए हो तो ये किसी भी जो है ना जो स्टोर होते हैं बड़े वाले, वहाँ से मिल जाएगा। ये 1450 का या 1500 का है, मैंने जो है वो 700 का लिया था। 3-4 साल हो गए हैं तो अब जो है ये इतने का होगा, मैंने देखा था क्योंकि 3-4 महीने पहले तो ये उतने का था, 1200-1400 इस तरह मिल रहे हैं, और इसमें लाइट कलर भी है, ठीक है। तो ये स्टैंड मैं ऐसे ही जो है कोई मेहमान वगैरह है तो मैं खाना वगैरह लगाती हूँ तो ऐसे ही रख देती हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके नीचे जो है मैंने थोड़े से अखबार रखे हुए हैं ताकि ये थोड़ा ऊंचा रहे चमचियाँ, क्योंकि छोटी चमचियाँ, और इस तरह से जो है सर्विंग स्पूनस और साथ ये है जी कांटे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। आगे भी जो है मैं इस तरह की टिप्स आपके साथ लेके आने वाली हूँ, तो आपने कनेक्शन रखना है अपना अपने मेरे चैनल के साथ, और लाइक कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।